देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आईएएस सुखदेव सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा कि हमें वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देना होगा। गाँव में अगर कोरोना बढ़ा तो परेशानी और अधिक होगी, इसलिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से करें। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीच में कोरोना केस की संख्याएं देश में घट रही थी, लेकिन अचानक कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण केस में इजाफा देखा जा रहा है। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, विशेषकर जिन राज्यों में केस बढ़ रही है, उन मुख्यमंत्रियों की बातें सुनी और सभी प्रभावित राज्यों ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी अपनी बातें रखी। कोरोना की संख्याएं बड़ी तेजी से देश में घट रही थी, अचानक कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की संख्याओं में इजाफा देखा जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ अपने अपने राज्यों का, विशेषकर उन राज्यों पर जहां की संख्याएं बढ़ रही थी, उनको उनकी बातें सुनी गई और सभी अधिक प्रभावित राज्यों ने अपनी बातें रखी। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले पर सीएम ने कहा कि हमने कई अहम फैसले के तहत बड़े रैली प्रोसेशन जैसे कई कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के हर जिलों में नजर रखी जा रही है, पंचायत स्तर तक वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है, इस कार्य में और गति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, राज्य अभी कंट्रोल की स्थिति में है और मजबूती बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से ज्यादा भीड़ ना करने, मास्क हमेशा लगाने और सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करने की भी अपील की। हमारे राज्य की स्थिति हम आपको बताएं तो हम पहले से ही कई प्रिकॉशन अभी लेके चल रहे हैं। 8वीं से नीचे तक की स्कूलें अभी तक हम लोगों ने नहीं खोली हैं। हजार की संख्या से अधिक का जमावड़ा का पर भी पाबंदी है। जुलूस प्रोसेशन, इस पर भी हम लोगों ने अभी पाबंदी ही लगा रखी है। अभी लगभग 550 लोग संक्रमित हमारे राज्य में हैं, जिसमें विशेषकर रांची में 350 के लगभग संक्रमित हैं और जमशेदपुर में लगभग 80-90 के लगभग लोग संक्रमित हैं। क्योंकि इस जगह पर आवागमन दूसरे राज्यों से बहुत तेज़ी से होता है और राज्य के हर जिलों में नज़र रखी गई है। ये कार्य में थोड़ी सी और हम गति देंगे, बस आप लोगों से ये आग्रह होगा, आप लोगों के माध्यम से राज्य की जनता को, हमारे राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को, चाहे शहर में हो ग्रामीण में हो, कि इस वैश्विक महामारी अभी हमारे आसपास ही घूम रहा है, इस वजह से अभी भी सतर्कता बरतें और भीड़ भाड़ से परहेज रखें और मुंह में मास्क अवश्य लगाएं। कर्जा में डुबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, चुप रहे हर इंसान, कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर जा, 1 रुपया में माफ कर।